हार्मनी इन फैमिली। सो जो हार्मनी होती है, ठीक है, ये वेरीफाई करती है रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है, पीस है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है। तो जो हार्मनी इन फैमिली होती है वो ये बताती है कि रिलेशनशिप इज एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन वन सेल्फ विथ अनदर सेल्फ, ठीक है। आपको आपका परिवार मिला है, आपने अपना परिवार चुना नहीं है, ठीक है। यू आर एम्प्टीड इन टू योर फैमिली, ठीक है। इन अ फैमिली वी डू नॉट क्रिएट रिलेशनशिप, इंस्टेड वी आर एम्प्टीड इन टू द रिलेशनशिप्स दैट आर ऑलरेडी देयर, एंड ऑल दैट वी नीड टू डू इज टू रिकॉग्नाइज दैम एंड अंडरस्टैंड दैम, राइट। वी जनरली नीड टू डू दिस। द सेल्फ आई हैज फीलिंग्स इन अ रिलेशनशिप, दीज फीलिंग्स आर बिटवीन आई एंड आई, वी आर हैविंग सम फीलिंग्स, वी शेयर आवर फीलिंग्स विद द वंस वी ट्रस्ट, राइट। एंड ऑफकोर्स वेन वी टॉक अबाउट फैमिली, वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स विद आवर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। ये जो पर्सन है, और आज के टाइम पे ये जो पर्सन है बहुत कम रिलाई करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर कर सकें। सो इन टुडे वर्ल्ड वी हैव दैट वन पर्टिकुलर पार्टनर, और यू हैव मदर और फादर विद हुम यू कैन शेयर योर बॉन्ड विद, ठीक है। तो ये क्या होती है, बस ये डिस्कस करती है कि आप अपनी फीलिंग्स हैं वो दूसरे पर्सन की फीलिंग्स के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है। द वन पर्सन, द वन सेल्फ हैज़ फीलिंग्स विद द अनदर सेल्फ, ठीक है। आपकी कुछ जज्बात सामने वाले पर्सन से जुड़े हुए हैं। अब आप एक मदर और चाइल्ड को ले लो, एक फीलिंग्स ही होती है जो इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग करती हैं, और फीलिंग्स ही होती है जो एक रिलेशनशिप का फेलियर बनती हैं, ठीक है। दीज फीलिंग्स इन द आई आर डेफिनेट, ठीक है। आप जो भी फीलिंग्स हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये क्या है, आप बोलोगे फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये फीलिंग्स की क्या है, ये डेफिनेट टर्म्स हैं, जो भी आप एहसास करते हो ना उनको एक नेम दिया गया है। सो जो फीलिंग्स होती हैं वो डेफिनेट हैं, ठीक है, लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, ठीक है। ये इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद क्लैरिटी, ठीक है। और यही फीलिंग्स होती हैं जो वैल्यूज बनती हैं, विच कैटेगराइज अ रिलेशनशिप एंड कैरेक्टराइज एज वेल, ठीक है। अब जब आपको ये फीलिंग्स पता है, जो फीलिंग्स होती हैं वही वैल्यूज़ का रूप लेती हैं, ठीक है। और जब आप इन वैल्यूज़ को रेकोगनाइज कर पाते हो और इन्हें समझ पाते हो, समझने के बाद आप इनको फुलफिल करते हो, जब आपने रेकोगनाइज किया मीन्स आपने इसको समझा भी, ठीक है। और इसको फुलफिल करना भी तो इम्पॉर्टेंट है। यू नो ट्रस्ट इज देयर, बट इफ यू आर नॉट गिविंग द ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप विल इट बी सक्सेसफुल? नॉट एट ऑल। देर विल बी नो हार्मनी इन अ रिलेशनशिप, देर विल बी नो हार्मनी इन अ फैमिली, ओके। सो इन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना एंड फुलफिल करना भी उतना ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप की सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। देर आर सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज इन अ फैमिली, ठीक है। ये टोटल वैल्यू 9 है: ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड एंड लव। ये 9 वैल्यूज इंश्योर करती है कि जो रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहे, ठीक है। ये जो भी फीलिंग्स होती है ना, इमोशंस होते हैं, सेंटीमेंट्स होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, इन सब की एक रियल इंपॉर्टेंस होती है। और यही चीज़ें एलिमिनेट करती हैं किसी भी रिलेशन में झगड़े होने से, या एक रिलेशनशिप, ठीक है, दो बंदों में बनती है, वो सोसाइटी बनाते हैं, तो उन सोसाइटी को फ्रेगमेंट नहीं होने देती। तो पहली वैल्यू है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की एक फाउंडेशनल वैल्यू होती है। कोई भी रिलेशनशिप, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ट्रस्ट के बारे में बताती हूँ कि ये इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है इंटेंशन, दूसरा होता है कॉम्पिटेंस। इंटेंशन होते हैं एस्पिरेशंस, एंड कॉम्पिटेंस होता है इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, ठीक है। अब इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस में हम लोग कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं? हम इस पे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम लोग दूसरों को उनकी इंटेंशंस पे जज नहीं करते, हम अपने आप को इंटेंशन पर जज करते हैं और दूसरों को उनके कॉम्पिटेंस पर जज करते हैं। हम ये नहीं देखते वो क्या चाहता है, हम ये देखते हैं वो क्या करता है, और हम ये देखते हैं हम क्या चाहते हैं, मगर ये नहीं देखते हम क्या करते हैं। यहाँ पे पर्सन कन्फ्यूज़ होते हैं ट्रस्ट एंड कॉम्पिटेंस में। सो जो ट्रस्ट की वैल्यू है वो हमें गाइड करती है कि ये एक्चुअली चीज़ें क्या हैं। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि लाइक अगर कोई पर्सन है, यू नो दैट पर्सन इज़ फेक, व्हाई आर यू ट्रस्टिंग दैट पर्सन? ठीक है, इवन दो यू नो दैट पर्सन इज़ फेक. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पर्सन गलत है, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन. अगर हमारे अंदर ट्रस्ट है, ठीक है, हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, अब अगर हमें पता होता है कि वो सामने वाला पर्सन क्या चाहता है, जबकि उस पर्सन को खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है, वो कहता कुछ और है, वो करता कुछ और है, मगर हमें समझ आ जाता है और हम तब भी भरोसा करते हैं. सो हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं, एक हीलिंग एड बनते हैं सामने वाले पर्सन के लिए. ये सब क्या है, ये सब एक ट्रस्ट है, सब ट्रस्ट का कमाल है. अब एक पार्टनरशिप की बात करें तो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम सामने वाले पर्सन की कॉम्पिटेंस देखते हैं और हम अपना कॉम्पिटेंस देखते हैं. जब हमें लगे कि इट कैन मैच, ये कुछ बहुत बढ़िया सक्सेसफुल चीज़ में लीड कर सकते हैं, सो वी डू पार्टनरशिप. ठीक है, एंड दैट पार्टनरशिप कैन प्रूव इफेक्टिव. सो दिस इज ऑल वॉट ट्रस्ट. ठीक है, वॉट इज रिस्पेक्ट? बेसिकली रिस्पेक्ट को हिंदी में हम सम्मान कहते हैं. और इसका क्या मतलब होता है, हम आज के टाइम पे लोगों को उनके कैरेक्टर, उनके जेंडर, उनकी पोस्ट पोजीशन, उनकी वेल्थ, ये सब देख के एक पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं. इनफैक्ट एज देख के भी रिस्पेक्ट देते हैं, हर चीज़ देख के रिस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, एजुकेशन देख के रिस्पेक्ट देते हैं. और हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक पर्सन की सेल्फ क्या है, हमें एक पर्सन की सेल्फ के बेसिस पे उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए. द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इज़ अ प्राइम ऑब्जेक्ट. सो रिस्पेक्ट देना क्या होती है, राइट इवेल्यूएशन, सामने वाली पर्सन की फीलिंग को समझना और उसके बेसिस पे रिएक्ट करना. ये एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी देती है रिलेशनशिप में. एंड डिसरिस्पेक्ट क्या होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन, जेंडर बायसनेस करना, जेनरेशन गैप, कास्ट स्ट्रगल, पावर प्ले, इज्म्स बनाना, ठीक है, क्लास स्ट्रगल करना, ये सब क्या करती हैं, ये सब सोसाइटी को फ्रेगमेंट करती चली जा रही हैं. सो दिस इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पेक्ट. अफेक्शन क्या होती है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग रिलेटेड टू द अदर्स सेल्फ. ठीक है, कि आप सामने वाले पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड सा महसूस करते हो. और रिलेटेड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जैसे सामने वाला पर्सन आपकी तरह आपके लिए एक फैमिली का मेंबर है. ठीक है, आप ही की तरह, आप ही के लिए वो एक तरह का फैमिली मेंबर है. एंड यू केयर फॉर दैट पर्सन, यू वॉन्ट टू मेक दैट पर्सन हैप्पी, यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, यू वॉन्ट टू सी बोथ ऑफ यू टुगेदर हैप्पी. ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी आप फाइंड आउट करते हो. तो वो जो ये स्टेट होता है ना, ये अफेक्शन का स्टेट होता है. ठीक है, केयर क्या होती है, अक्सर आपने वर्ड सुना होगा परवाह, कि आप सामने वाले पर्सन की परवाह करते हो या नहीं करते. सो जो केयर होती है ना, अगर इसे एक डेफिनेट वर्डिंग्स में लाया जाए तो ये होती है, द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्चर, मीन्स सामने वाले पर्सन को प्रोटेक्ट करने वाली फीलिंग. जब आपको पता हो कि वो थोड़ा सीख रहा है, सो उसकी गलतियों को इग्नोर करना, उसकी केयर करना, तो ये होती है नर्चर वाली फीलिंग्स. लाइक आपके पेरेंट्स हैं, सो दे नर्चर यू वेल. ठीक है, आपकी गलती को इग्नोर करके आपका पालन पोषण करते हैं. एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आर रिलेटिव, मतलब सेम चीज़ हो गई कि प्रोटेक्शन देना उस पर्सन को. ठीक है, अगर बॉडी के फॉर्म में देखा जाए तो उस ध्यान रखना कि उसको फिजिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही. नर्चर में आपकी सेल्फ काफ़ी अच्छी नर्चर हो जाती है. सो केयर, द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आर रिलेटिव. और इन द अदर वर्ड्स, अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन इज ट्रबल्ड, वरी, एंग्जाइटी और कंसर्न इज कॉल्ड केयर. मतलब कि नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आर रिलेटिव एक डायरेक्टली हो गया, और जो सामने वाला पर्सन है जो आपकी केयर कर रहा है, ठीक है, उसको ऑफकोर्स आपके लिए एंग्जाइटी होती है, आपके लिए डर लगता है, वो आपके लिए कंसर्नड है. तो ये फीलिंग्स होती हैं केयर की. ओके, गाइडेंस में दो फीलिंग आती हैं, एक होती है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरी होती है फीलिंग रिलेटिव टू द अदर सेल्फ. फीलिंग रिलेटिव टू द अदर सेल्फ का क्या मीनिंग है,
कि जो आपको जो सामने वाला पर्सन है ना आपके लिए वो तो बहुत सिमिलर है, पता है क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड, लाइक एग्जांपल ले लो मॉडलिंग, आप मॉडलिंग के कोर्स में हो, सामने वाला पर्सन मॉडलिंग का कोरियोग्राफर है, तो वो आपके लिए ऑब्वियस और रिलेटिव हुआ थोड़ा, क्योंकि सेम बैकग्राउंड से वो आपको बहुत सही एडवाइस दे सकता। अब यही बात आएगी ना आपके मन में, दैट पर्सन कैन गिव यू वेरी एक्सलेंट एडवाइस फॉर योर करियर। और ये एडवाइस उसका देना, आपका समझना, आपकी अपनी कंडीशन उसको एक्सप्लेन करना और उसकी बातें आपको समझ में आना, क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग है। देयर फोर गाइडेंस की जो वैल्यू है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ बींग रिलेटिव टू द अदर सेल्फ। रेवरेंस होती है फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वंस एक्सीलेंस, ठीक है? आप एक्सेप्ट करते हो कि वो पर्सन ने हाइट्स ऑफ एक्सीलेंस अचीव की है, लाइक प्रिंस नरूला है, जिस शो में गया है उसने उस शो को जीता है। सो उसकी इस एक्सीलेंस पे, उसकी इस राइट अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ों की, और वो आज अपनी लाइफ हार्मनी पे जी रहा है एट ऑल द फोर लेवल्स ऑफ लिविंग। कौन से फोर लेवल्स हैं? सोसाइटी, सेल्फ, फैमिली, नेचर, ठीक है? ये लेवल्स हैं लिविंग के। सो इन पे जी रहा है, तो एक तरह आपको वो आइडियल बन जाता है कि यू से कि डू यू वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम और हर। आप एक्सेप्ट करते हो कि वो पर्सन ने हाइट ऑफ एक्सीलेंस अचीव कर ली है, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग है एंड वो हार्मनी में जीता है, उसको बहुत खुशियाँ हैं, ठीक है? और आपको उसकी एक्सीलेंस पे बहुत फेथ है। सो ये होती है रेवरेंस की फीलिंग्स, ठीक है? फेथ ऑन वंस एक्सीलेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस एक्सीलेंस, ठीक है? द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर वंस एक्सीलेंस होती है रेवरेंस। ग्लोरी इज अ फीलिंग ऑफ प्लेजेंट इमोशंस फॉर सम वन हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर हिज एक्सीलेंस। लाइक वी ऑल हैव द सेम 24 आवर्स, दिस इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है? द वे वी यूज दीज आवर्स डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है? सबके अपने गोल होते हैं और बेसिक गोल सबका होता है टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल एंड बिकम प्रॉस्परस, ठीक है? तो ग्लोरी एक फीलिंग होती है उस पर्सन के लिए जिसने अपनी एक्सेलेंस हासिल करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हों। तो जो उस पर्सन के लिए जो वो प्लेजेंट इमोशंस मन में आते हैं ना, उन प्लेजेंट इमोशंस का नाम होता है ग्लोरी। नाउ व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड होता है एक थैंक्स गिविंग फीलिंग उस पर्सन को, जिस पर्सन के कारण आज आप सक्सेसफुल हो, जिन पर्सन ने आपका बहुत साथ दिया है उस वक्त जिस वक्त आपको उनके साथ की ज़रूरत थी, उन्होंने पल पल आपको गाइड किया है कि आपको ये करना चाहिए, और इन सब के एफर्ट्स के कारण आज आप बहुत सक्सेसफुल हो, आज आप जहाँ पहुँचे हो आप वहाँ पहुँचे हो। सो वो थैंक्स गिविंग फीलिंग को ग्रैटिट्यूड कहते हैं। इन इंग्लिश वी से ग्रैटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई ओन एक्सीलेंस, ओके? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैज मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस। इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट एन इमोशन दैट अकर्स आफ्टर पीपल रिसीव हेल्प, ठीक है? किसी ने आपको हेल्प दी, उससे थैंक यू, आपका इतना काम सवर गया, वो उस पर्सन की हेल्प के कारण हुआ। सो इट्स अ थैंक गिविंग फीलिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ दे इंटरप्रेट द सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में थी, जो भी सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? नाउ वॉट इज लव? लव क्या है? इट इज़ एन इमोशन, एक इंटरनल फीलिंग्स होती है, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन की फीलिंग होती है कि लाइक यू फील सो मच रिलेटेड विद दैट पर्सन। एक वार्म्थ की फीलिंग होती है कि ठीक है, एक केयर की फीलिंग होती है सामने वाले पर्सन के लिए। यू फील सो रिलेटेड विद दैट पर्सन, एक कम्फर्ट होता है उस पर्सन के साथ, ठीक है? एंड लव बहुत तरीके का होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच का लव, आपकी कार के साथ आपका लव, और दो पर्सन्स के बीच में लव। तो लव बहुत तरीके का हो रहा है। जब लव अफेक्शन के स्टेट को क्रॉस करता है, मतलब डीप अफेक्शन के स्टेट में चला जाता है, तो वो लव बन जाता है। अफेक्शन क्या होती है कि एक पर्सन की खुशी की आपको बहुत परवाह होती है, ठीक है? दोनों साथ में खुश रहते हो, एक दूसरे की केयर करते हो और बहुत रिलेटेड सा फील करते हो, ठीक है? तो ये होती है अफेक्शन। जब ये फीलिंग बहुत डीप चली जाए ना कि यार यू कैन नॉट इवन इमेजिन योर सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन,
यू नो दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ यू लाइक योर बॉडी पार्ट. ठीक है, यू आर इनकम्प्लीट विदाउट योर हैंड. लव इज एग्जैक्टली लाइक दैट, अ फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन, केयर, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, रिलेटेडनेस इज लव.